हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है, या मैग्नेटिक सबस्टेंसेस के बारे में। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेटिक सबस्टेंस, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट, ठीक है, तो डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। सेकंड, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड लास्ट थर्ड, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो कि देयर आर थ्री टाइप्स, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, सेकेंड पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस एंड थर्ड वन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट एडिंग डालेंगे क्या। फर्स्ट एडिंग है हमारी डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक सबस्टेंस की अगर बात करें, तो डायामैग्नेटिक सबस्टेंस वो सबस्टेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को लाइक नहीं करते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस की, तो क्या होगी, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड बाई अ मैग्नेट, बाई अ मैग्नेट। ठीक है, कहने का मतलब है कि डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं, मैग्नेट के द्वारा रिपेल होते हैं, मैग्नेट के द्वारा क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने मैग्नेट की बात की थी, मैग्नेट्स क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर क्या करती हैं, एंटर करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और वही उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस को लाया जाए, तो वो क्या होता है, वो उससे रिपेल्ड होता है। ठीक है, क्या करता है, प्रतिकर्षित होता है, यानी कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को लाइक नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, डिसलाइक करता है। अगर एग्जांपल की बात करें इसकी, एग्जांपल क्या है पैरा डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के, ठीक है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की एग्जाम्पल जो है, जैसे कि बात करें गोल्ड, ठीक है, गोल्ड भी क्या है, एक डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है। सिल्वर, सिल्वर भी क्या है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है। जिंक, जिंक भी क्या है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है। एंड सबसे अच्छा अगर इसका एग्जांपल देखें, तो वो है क्या, वाटर, ठीक है, ETC। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के। ठीक है, तो सबसे अच्छा अगर एग्जांपल हम कोई लें, तो वो एग्जांपल है डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस का, कौन सा, वाटर। ठीक है, तो वाटर के बारे में जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को लाइक नहीं करते हैं। तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये कोई हमारे पास एक दो मैग्नेट हैं, ठीक है, ये क्या हैं, दो मैग्नेट हैं, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। ठीक है, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। अगर इसके ऊपर कोई मैंने प्लेट रख दी, एक क्या रख दी, प्लेट रख दी,
ठीक है, इस प्लेट के अंदर भर दिया क्या, वाटर। इस प्लेट के अंदर क्या भर दिया, वाटर। ठीक है, तो इससे पहले अभी अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा है कि क्या कहते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, क्या होते हैं, रिपेल्ड होते हैं वाया मैग्नेट। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट है, तो इससे क्या होगा, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस रिपेल करेंगे क्योंकि इनको लाइक नहीं करेंगे, तो जहाँ पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, अत्यधिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये रहना पसंद नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कि इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो है डिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है, तो कम डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ और यहाँ के कंपेयर में यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ज़्यादा बनेगा इसके, और इसके कारण यहाँ पे जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके और इसके कंपेरिजन में कैसा है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो वाटर का लेवल होगा वो वाटर का लेवल कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को लाइक नहीं करता है। और पोल्स पे जो है इसका लेवल हाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, यहाँ पे लेवल हाई और यहाँ पे लेवल वाटर का कैसा होगा, वीक होगा। क्लियर, क्यों, क्यों वीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को लाइक नहीं करता है, और यहाँ के कंपैरिजन में इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर कहने का अगर बात करें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तीन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तीन, ठीक है, तो वैल्यू कितनी है, यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इन दोनों के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, फाइव। ठीक है, तो थ्री और फाइव में फाइव ज़्यादा हुआ, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे वाटर का लेवल वीक हो जाएगा क्योंकि वो इसको डिसलाइक करता है। क्लियर, इसी तरह से और भी एग्जांपल, इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस बढ़ा दे, ठीक है, मान ली हमने इन दोनों के बीच क्या किया, डिस्टेंस बढ़ा दी, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल, और इसके अंदर इसके ऊपर एक प्लेट रख दी जिसके ऊपर, जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर। अब देखते हैं कि इन दोनों की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड था वो कैसा हो गया, वीक हो गया, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, ज़्यादा, और यहाँ भी ज़्यादा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है इसका वाटर का लेवल कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर का लेवल कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को लाइक नहीं करता है। तो इस तरीके से कुछ शेप बनेगी, ठीक है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा वहाँ पे वाटर का लेवल कम, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम वहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा। क्लियर, इसी तरीके से अगर बार मैग्नेट की बात करें हम, ये कोई बार मैग्नेट की बात कर लें, बार मैग्नेट ले ली, ठीक है, और उस बार मैग्नेट को हमने हैंग करा दिया, ठीक है, ये है एक नॉर्थ पोल और ये है एक साउथ पोल मैग्नेट का, ठीक है, और इन दोनों के बीच हमने एक बार मैग्नेट लेके आए और उसको लटका दिया। तो बार मैग्नेट क्या करेगी, अब इन दोनों के डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये केस कैसी बार मैग्नेट है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस की है। तो इस ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से इन दोनों से परपेंडिकुलर, ठीक है, इन दोनों से क्या होगी, परपेंडिकुलर ठहर जाएगी, यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इन दोनों के बीच जो होगा, इन मैग्नेट्स के बीच ये वाली मैग्नेट कैसी हो जाएगी, इन दोनों से परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, तो ये होता है किसका, ये इसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट, ये कौन सी मैग्नेट है, बार मैग्नेट। इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, ठीक है, ये मान ली कोई मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट है, एक का नॉर्थ पोल और दूसरी का साउथ पोल, इसके बीच में हम कोई डायमैग्नेटिक सबस्टेंस ले आए, जैसे कि डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की बात की थी, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, वाटर, ठीक है, तो ये कोई मटेरियल है, मान लो किसका, ये मटेरियल है डायमैग्नेटिक, ठीक है, तो यहाँ से अब ये प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा जो है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं और साउथ पोल पे इनवर्ड होती हैं। तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, बट ये इसको लाइक नहीं करता है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा, यानी कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इससे बाहर होती हुई साउथ पोल पे क्या करेंगी, चली जाएंगी, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी। ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं किसकी, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की।
और दूसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी जो परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज लेस, कैसी होती है, लेस देन वन। ठीक है, वन से क्या होती है, कम होती है, यानी कि परमेबिलिटी की बात करें तो चुंबकशीलता, यानी कि म्यू इज लेस देन वन। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज़ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि इसको ससेप्टिबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी थी किसकी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की।